नागरिकता कानून पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इस घमासान में अब भगवा की भी एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर कई बार पलटवार यहां पर योगी सरकार पर किए हैं, निशाना उन पर साधा है, तो वहीं योगी ने भी प्रियंका को माकूल जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सियासी तलवारें खींची हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। सियासी दंगल में बयानों के तीर चल रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीसी कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएए संविधान के खिलाफ है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस दंगाइयों का समर्थन कर रही है। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भगवा कपड़े को लेकर निशाना साधा था, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा प्रियंका को ये पता ही नहीं कि भगवा क्या है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं मैं। भगवा है क्या इनको पता ही नहीं, क्योंकि परिवार में उस प्रकार के संस्कार की आवश्यकता थी। हो सकता है कि कहीं किसी दूसरे देश के संस्कार मिले हो, किसी दूसरे प्रकार का संस्कार उन्होंने लिया हो। ये सहिष्णुता के बारे में, भगवा धर्म के अहिंसा की प्रवृत्ति के बारे में, भगवा चोले के महत्व के बारे में उनको पता होना चाहिए था, उनको पता नहीं हुआ। नागरिकता संशोधन कानून की लड़ाई अब भगवा तक पहुंच गई है। प्रियंका गांधी का बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उन्हें करारा जवाब दिया। सन्यासी की लोक सेवा और जन कल्याण के निरंतर जारी यज्ञ में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। विरासत में राजनीति पाने वाले और देश को भुलाकर तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोक सेवा का अर्थ क्या समझेंगे। ठंड के इस मौसम में सीएए पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये पारा पिछले कई दिनों से चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर प्रियंका गांधी लखनऊ में थी। इस दौरान प्रियंका गांधी पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के परिवार से मिलने के लिए निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद गाड़ी से उतरकर वो पैदल ही चलने लगी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो पुलिस को चकमा देते हुए कांग्रेस नेता की स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गई। प्रियंका ने आरोप लगाया कि उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की। वहीं प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही गई थी, लेकिन अब सीआरपीएफ ने दावा किया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, प्रियंका गांधी ने खुद ही नियम तोड़े थे। वहीं प्रियंका जिस स्कूटी पर गई थी उसका पुलिस ने चालान भी कर दिया था। यानी सियासत के रास्ते शह और मात की हड़चाल जो है चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।